वेल इट कम्स फ्रॉम आ मदर. कहते हैं एक माँ ही होती है जो हमें एहसास करवाती है कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं. एक माँ ही होती है जो सुख में हमारा साथ देती है और दुख में भी वो हमारे साथ दुखी होती है. जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं लुधियाना के बचपन प्लेवे स्कूल में, जहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है. वहाँ पे रैंप वॉक अरेंज की गई है, मदर्स के लिए फन एक्टिविटीज अरेंज की गई हैं. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की मदर से, जो यहाँ पे फन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं. तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे. सबसे पहले आप ये बताइए, आपको अभी यहाँ पे आए हुए कितनी देर होगी, कितनी देर से आप फन एक्टिविटीज आप यहाँ पे अरेंज की गई हैं और आपने किस किस चीज में अभी तक पार्टिसिपेट की है? अभी तो फर्स्ट टाइम आई हूँ. ओके. सभी चीज में पार्टिसिपेट किया है मैंने. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, वेरी गुड. तो मैम आप बताइए, आपने क्या एक्टिविटी यहाँ पे अभी तक आपने उसमें पार्टिसिपेट की है? मैम रैंप वॉक थी, तंबोला थी और एक फन गेम्स और भी बहुत सारी थी. बहुत बहुत अच्छा रहा यहाँ पे एक्सपीरियंस. और मदर्स के लिए स्पेशली फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है. एंड मदर्स डे एक्चुअली में जो सेलिब्रेट करते हैं कि मदर्स को एक फ्रीडम देते हैं कि अपना इन्जॉय करें किसी के कोई टेंशन के बिना, सब घर के काम को छोड़कर. तो ये बहुत ही अच्छा मैम ने एक जेस्चर किया है. तो वी रियली लव्ड इट, वी लाइक्ड इट अ लॉट. चलिए आपके पास आते हैं, आप बताइए आपने क्या रैंप वॉक में अभी तक पार्टिसिपेट किया है या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? लास्ट टाइम यहीं पे मैंने रैंप वॉक में पार्टिसिपेट किया था. तो आई रियली लाइक दिस. और यहाँ पर मैं 10 o'clock आई थी और उस टाइम से लेकर अभी तक मैं गेम्स इन्जॉय कर रही हूँ. मंडे के घर जाने का. वेयर आर योर किड्स एट प्रेजेंट? शी इज एट होम. बिकॉज थोड़ा टाइम हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए किड्स को घर छोड़ के, हम यहाँ पर प्रॉपरली इन्जॉय करें. रीमा मैम ने बहुत अच्छा यहाँ पर आयोजित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर. तंबोला प्ले करके बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट्स इनका बहुत अच्छे लगे. थैंक्स मैम. एक हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि मदर्स डे तो जैसे हम कहते हैं कि हर स्कूल में आजकल सेलिब्रेट किया गया है, तो उस चीज़ को लेके आपको क्यों लगता है कि फादर्स डे की तरफ इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया जाता स्कूल्स में, मदर्स को ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है? मैम माँ तो जन्नत है, जन्नत जैसा कोई नहीं है. तो इसलिए कि माँ से बढ़कर कोई नहीं, इसलिए कि मतलब माँ से बढ़कर मैं भूल रही हूँ, तो कोई नहीं है. तो मम्मा माँ जैसा सबसे पहले उनको ही प्रेफर किया जाता है. थैंक यू बचपन प्ले स्कूल, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इतना अच्छा यहाँ पे हमारा इंजॉय हुआ सुबह से. स्टार्टिंग आके हमें सेल्फी पॉइंट यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा हमने सेलिब्रेट किया. अभी रैंप वॉक किया, तंबोला खेला. यू आर एंजॉयिंग अ लॉट मैम. वेरी एंजॉयिंग इट, वेरी एंजॉयिंग इट. हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? बिल्कुल मैम ठीक. आप ये बताइए कि जैसे हम कहते हैं कि हम भी एक टाइम ऐसा था, हम भी किड थे, बहुत पैम्परिंग चाइल्ड होते थे अपने पेरेंट्स के. जबकि हम आए हैं यहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम किड्स हैं, क्योंकि बच्चे घर पे छोड़ के आए हुए हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं. गेम्स हो चाहे डांस हो चाहे रैंप वॉक हो, वट एवर. तो आपको क्या कहीं लगता है कि जैसे हमने अभी बताया कि हम भी एक पैम्परिंग किड हुआ करते थे किसी टाइम पे, तो आपको लगता है कि आपको लगता है आजकल के जो किड्स हैं वो ज़्यादा पैम्पर्ड, बहुत पैम्पर्ड फील करते हैं आजकल के किड्स, और टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज़ ने आज इज द मेन रीज़न बिहाइंड दैट हम उनको खुद पैम्पर करते हैं. या हम उनको खुद पैम्पर करते हैं जिस हिसाब से हम पैम्पर हुए हुए हैं. ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि हमसे हम उनसे ज़्यादा पैम्पर करें हमारे अकॉर्डिंगली. तो अभी आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है?
मैंने अभी तक मैं एक्चुअली स्पॉन्सर हूँ यहाँ की, तो मैं जज बनी हूँ यहाँ पे, तो मैंने रैम्पो रैम शो को प्रॉपर जज किया एंड ऑल। अब बाकी गेम्स के अंदर भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, दो बीइंग अ मदर टू मुझे भी इंजॉय करना है। तो कैसे लग रहा है यहाँ पे जो जिन्होंने प्रेजेंट किया, मदर्स आई हुई हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन, मदर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हमने यहाँ स्पॉन्सर किया, सारे मतलब पूछ रहे हैं काम के बारे में एंड ऑल एवरीथिंग। हाँ जी, तो चलिए मैम आप बताइए, मदर्स डे बेसिकली हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने बच्चों को क्या उस चीज़ में टीच करेंगे कि आप तो चलो अभी हमने जैसे देखा कि किड्स आपके साथ नहीं है, बट किड्स को भी पता है कि मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप इस चीज़ को कितना वो मानते हैं कि बच्चों पे कितना इफेक्ट आता है इस चीज़ का? इस चीज़ का बहुत इफेक्ट आता है, बच्चे इसको मतलब को अपने मदर को बहुत अच्छा पसंद करते हैं, कि वो कहते हैं कि मेरी मदर जो है किसी और को नहीं इतना प्रेफर करती जो इतना मदर को प्रेफर करते हैं। ओके, आपको कैसे लगता है मैम? मैम जब जैसे आपने रैंप वॉक की, क्या घर में भी प्रैक्टिस की थी इस चीज़ की? नहीं नहीं, घर में नहीं प्रैक्टिस करी थी, बट अभी अपने बच्चों के सामने रैंप वॉक की है। हाँ जी, बच्चों के सामने नहीं, बच्चों को सिखाया ज़रूर है। सिखाया, दैट मीन्स आपने की है, तो कैसा आपको अप्रिसिएशन मिलता है अपने किड्स की तरफ से? आप बहुत बहुत अप्रिशिएट करती है मेरी डॉटर मुझे, और वो बोलती है कि मेरी मम्मा बेस्ट है हर चीज़ में, बोलती कि मेरी मम्मा ही बेस्ट है, कहीं पे भी जाना है मम्मा के साथ जाना है, मम्मा रेडी करेंगी, तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है, रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे। मदर्स डे एक स्पेशल इसीलिए बनाया गया है कि बच्चों को भी पता चले कि मदर्स को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, मदर हमारी इतनी केयर करती है सब कुछ, तो इट्स अ गुड थिंग, लाइक बहुत अच्छा होता है कि अगर सेलिब्रेट करें मदर्स डे तो। आपको कैसे लगता है मैम, जैसे हमने मैम से पूछा था कि फादर्स डे जो होता है उस पर हम लोग इतना फोकस नहीं करते, तो मदर्स डे पे ज़्यादा ही फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि जितना करना चाहिए फादर्स को घर बिठा के नहीं नहीं नहीं, जितना मदर्स हार्डवर्क करती हैं बच्चों के लिए उतने फादर नहीं कर सकते, वो जस्ट आन करते हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, बट मदर्स का हमेशा स्टेप प्लस ही होता है, लाइक ऑल टाइम उनकी नॉटीनेस को देखना, उनको मैनेज करना, घर भी मैनेज करना, बच्चे को भी मैनेज करना। आप चाहेंगे प्ले वे में फादर डे भी प्रॉपर ऐसे ही सेलिब्रेट होना चाहिए, उनको भी रैंप वॉक करनी चाहिए? यस, इवन फादर्स डे का भी होना चाहिए, ऐसा फादर्स डे होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। फादर्स डे चाह रहे हो भी सेलिब्रेट, बट स्टिल मदर्स डे का एक एडवांटेज तो रहेगा ही, 9 महीने पेट में रखा है, कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए। वाओ, कुछ तो बहुत ही अच्छी बात, एक अब हम हमेशा रहेगा मदर्स का। अब हम चाहते हैं आप यहाँ पे स्पेशली लुधियानवीज को, यहाँ की मदर्स को अपनी तरफ से मदर्स डे कैसे विश करना चाहेंगे, और क्या आप कोई मैसेज भी देना चाहेंगे यहाँ की मदर्स को? सब एक साथ मिलके बोलिए प्लीज, एक साथ आप गैदर हो जाइए। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय मदर्स, और एक स्पेशल सा मैसेज भी दे दीजिए यहाँ की ब्यूटीफुल मॉम्स को, जैसे आप लोग इतने खुद इतने ब्यूटीफुल हैं, परफॉर्मेंस दी है आपने, रैंप वॉक की है, गेम्स खेली हैं, यहाँ की मदर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे अपने किड्स को हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि आजकल की मदर्स किड्स में ज़्यादा बिजी रहती हैं, क्लब कल्चर इंक्रीज हो चुका है, अपने किड्स की तरफ कुछ हम लोग कहते हैं ना डिस्टेंस बन रहा है, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे मदर्स? हमें सबसे पहले तो अपने किड्स को ज़रूर टाइम देना चाहिए, और मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे आपका मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ बचपन प्ले वे स्कूल में, तो प्लीज़ इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए उसमें खुद के भी एफर्ट्स डालो। हाँ, वेरी गुड। फादर्स को भी कोई मैसेज देना? यस यस, फादर्स एक्चुअली बाहर तो खुद इन्जॉय कर लेते हैं, फादर्स डे खुद ही मना लेते हैं रोज़ अपना, बट ऐसा भी होना चाहिए उनका भी स्कूल डे में, स्कूल टाइम में उनका भी टाइम आना चाहिए, एक दिन आना चाहिए। नहीं, आप नेक्स्ट टाइम उनके साथ आइए और उनको अपने साथ रैंप वॉक। ओके, यस 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 मैम, नेक्स्ट टाइम पक्का, एक्चुअली जून में फादर्स डे आएगा, तो उनका भी ऐसे होना चाहिए, उनके साथ हम श्योर करें आएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। फाइन फाइन मैम। सबसे पहले सर हम चाहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज अपने वर्ड्स में दीजिए। मैम, मैं नवतेज सिंह, डायरेक्टर बचपन प्ले स्कूल विकास नगर। आज हमने सेलिब्रेशन रखी है मदर्स डे के लिए जी, एंड मदर्स का जो रोल है मैम, सारी सोसाइटी और आप सब जानते हैं कि जो मदर्स का रोल है लाइफ में, वो ऐसा रोल है कि जो 24/7 बिना थके, बिना कोई सैलरी लिए और बिना कोई छुट्टी लिए, वो सारी लाइफ अपने घर के लिए,
और अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो वो घर और अपने ऑफिस को दोनों जगह संभालती हैं, दोनों ड्यूटीज़ देती हैं। और जो मदर्स हैं, मदर्स का रोल ऐसा है कि मैम जो हम सारी ज़िंदगी में अपने मदर्स का कर्ज जो है वो कभी नहीं उतार सकते। सो इस वजह से इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अपने पेरेंट्स के मदर्स को और मदर्स को इन्वाइट किया था कि आज का डे हम उनको स्पेशल फील करा सकें, जो कि मदर्स ने बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत एंथुजियाज़म के साथ पार्टिसिपेट किया। और हमने उनके लिए रैंप वॉक जो हमारी मेन अट्रैक्शन थी मदर्स के लिए वो रखी हुई थी, और अदर अट्रैक्टिव गेम्स भी थी जो कई स्पॉन्सर्स थे हमारे, उन्होंने स्पॉन्सर्स किया था। हाउ लॉन्ग इयर्स यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फंक्शन? मैम दिस बचपन प्ले स्कूल दिस द 10th ईयर वी आर रनिंग, एंड फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स right from the inception of Bachpan Play School Vikas Nagar we are organizing this day as a special tribute to the mothers. Thank you so much sir. Hello ma'am, we want your intro also in your words. Please introduce ma'am, I'm Reema Sahani, Bachpan Play School principal. और मदर्स डे का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हमने, मदर्स ने बड़ी इंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट किया। वी हैव वेरी मच, वी हैव अ को स्पॉन्सर्स ऑल्सो, एंड दिस इज़ आर 10th ईयर रनिंग विद बचपन प्ले स्कूल विकास नगर। शी इज़ सानिया, शी इज़, हेलो मैम, कनू मैम, इन टॉप ऑफ ईयर, या माई नेम इज़ सानिया, आई एम हैविंग माई ओन पर्सनलाइज क्राफ्ट एंड ट्रूजर पैकिंग बिजनेस बाय द नेम वेस्टर ड्रेपरी। एंड मैम, हेलो मैम, सीमा टोडा, टोडा स्वीट्स, टोडा स्वीट्स, सारे रिफ्रेशमेंट जो है आज हमारे मदर्स के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा, ये थे बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम, और उनके साथ कुछ गेस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने हमसे शेयर किया कि वो किस वर्क में लेडीज़ आजकल इतनी ऊपर जा चुकी हैं, हर फील्ड में वो अपने आप को प्रूव कर रही हैं आजकल के टाइम पे। और सर ने भी मदर्स को लेकर एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और एक मैम हमारे साथ है जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उन सबसे मिलकर, और हमने भी शेयर किया उनसे कुछ बहुत ही प्यारे और वंडरफुल मोमेंट्स। कैमरामैन अमन दीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।